योगी कैबिनेट की बैठक में चार प्रस्तावों पर लगी मुहर। विधायक निधि को एक साल के लिए किया गया सस्पेंड। मंत्रियों और विधायकों के वेतन में भी 30% की कटौती के प्रस्ताव पर मुहर। कोरोना की रोकथाम में इस्तेमाल होगी राशि। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा, मास्क न पहनने पर हो सकती है कार्रवाई। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यूपी के 15 जिलों के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को आज रात 12 बजे से किया जाएगा सील। हॉटस्पॉट में 15 अप्रैल तक सब कुछ होगा बंद। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सामानों की डोर टू डोर डिलीवरी की सुविधा होगी। अवनीश अवस्थी ने कहा, 15 जिलों के कोरोना प्रभावित इलाकों को किया जाएगा सील। आगरा में 22, गाजियाबाद में 13, गौतम बुद्ध नगर में 22 हॉटस्पॉट होंगे सील। अवनीश अवस्थी ने कहा, कानपुर में 12, लखनऊ में 12, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 7 हॉटस्पॉट इलाके होंगे सील। अवनीश अवस्थी ने यह भी बताया कि बरेली में 1, बुलंदशहर में 3, बस्ती में 3, फिरोजाबाद में 3, सहारनपुर में 4, सीतापुर में 1, महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट सील होंगे। अवनीश अवस्थी ने बताया कि बाकी जिलों में जैसा लॉकडाउन अभी है वैसा ही जारी रहेगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राशन और मेडिकल सप्लाई में कमी नहीं होगी। हॉटस्पॉट इलाकों में 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। अवनीश अवस्थी ने यह भी बताया कि लोगों को 100% लॉकडाउन का पालन करना होगा। लोगों को अब बिल्कुल रियायत नहीं दे सकते। ये हॉटस्पॉट अगर कंट्रोल किए जाए तो यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आएगी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने कहा, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। लोगों की भलाई के लिए ही उठाया गया है कदम। जरूरी चीजों की होम डिलीवरी की जाएगी। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सीतापुर में 1 हॉटस्पॉट को किया जाएगा सील। खैराबाद कस्बा और इस इलाके में पड़ने वाले गांव सील होंगे। सीतापुर के डीएम अखिलेश तिवारी ने की पुष्टि। डीएम ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी पार्टियों के बड़े नेताओं से की बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कोरोना पर चर्चा। गृहमंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए। कहा, लोगों की जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता। राज्यों विशेषज्ञों ने दी है लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह। हमें सावधानी बरतने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत। लॉकडाउन नहीं बढ़ने पर कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा। लॉकडाउन से ही कोरोना संक्रमण खत्म किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों की कोशिश की तारीफ की। कहा, सभी राज्यों का काम काबिले तारीफ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से एक और मौत। आगरा में 76 साल की महिला ने तोड़ा दम। प्रदेश में मृतकों की संख्या हुई 4। यूपी में 343 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 35। आज राज्य में 4 और मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। नैनीताल और हरिद्वार में मिले 2-2 मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में पिछले 24 घंटे में 773 नए मरीज। देश में अब तक 5274 मरीज। अब तक 149 लोगों की मौत। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन से 30% की कटौती। विधायक निधि से 2 साल तक काटे जाएंगे 1-1 करोड़ रुपए। प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट के पैसे न ले, आदेश करेंगे पारित। यूपी की 66 तहसीलों के लिए 56 फायर टेंडर। लखनऊ में सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम ने कहा, हर गांव और कस्बे को करेंगे सैनिटाइज। हनुमान जयंती के मौके पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया अपना लोगो। केंद्र में भगवान राम का चित्र। लोगों में बजरंग बली को भी मिला स्थान। कोरोना से जंग में
पीएम मोदी के प्रयासों की दुनिया में तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया महान व्यक्ति। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भगवान हनुमान से की पीएम मोदी की तुलना। मुरादाबाद में विदेश यात्रा से लौटे करीब 80 लोग गायब। कोरोना कंट्रोल रूम से इन लोगों की जानकारी ली जा रही है। ये सभी दिए गए पते पर नहीं मिल रहे हैं। संदिग्धों को क्वारंटीन करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। खाना देते समय लोगों के फोटो नहीं खींचने के आदेश दिए गए हैं। 112 के पुलिसकर्मियों को एडीजी असीम अरुण ने किसी भी व्यक्ति को खाना राहत सामग्री देते समय उसकी फोटो न खींचने का आदेश दिया। कहा यह किसी की निजी मर्यादा है। संभल में बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर अब कार्रवाई की तैयारी। बिना मास्क लगाए बाहर नहीं निकलने का आदेश। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऊधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा पर जंगलों में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोरोना के खतरे के मद्देनजर हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में लोगों की स्क्रीनिंग करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर लोगों ने फूल बरसाए। साथ ही लोगों ने ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क जू में टाइगर में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद लखनऊ चिड़ियाघर में भी जानवरों की निगरानी की जा रही है। लखनऊ चिड़ियाघर के डायरेक्टर के मुताबिक जानवरों के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। साथ ही साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अमेरिका में बाघिन में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की निगरानी बढ़ा दी गई है। खासतौर पर बाघों पर कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि उनके बर्ताव में किसी तरह का बदलाव होने पर तुरंत जांच की जा सके। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए बदमाशों के ऊपर पहले से कई मामले दर्ज हैं। वाराणसी के घाटों पर भी लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। यहां के मणिकर्णिका घाट पर शव दाह करने के लिए आए कुछ ही लोग दिखाई दिए। मुरादाबाद में लॉकडाउन की वजह से मृतकों की अस्थियों का विसर्जन रुक गया है। हालात ये हैं कि शमशान घाट पर बने लॉकरों में अस्थि कलश को रखा जा रहा है। नरोडा विधानसभा से विधायक राजीव तरारा ने विधायक निधि से 1 करोड़ की धनराशि और 1 महीने का वेतन कोरोना के खिलाफ जंग में देने का ऐलान किया। बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया। हाथरस की छात्राओं ने लॉकडाउन में कर्मवीर की भूमिका निभा रहे पुलिस वालों को थाने आकर सम्मानित किया। छात्राओं ने पुलिस वालों के लिए थैंक यू कार्ड बनाकर थाना इंचार्ज मनोज शर्मा को सौंपा। हाथरस में पुलिस और समाज सेवियों ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए नया तरीका अपनाया है। लॉकडाउन तोड़ने वालों को रोली का तिलक लगाकर गलती का एहसास कराया। फूलों की माला पहनाकर हाथ में जागरूकता वाला पंपलेट दिया। लॉकडाउन के दौरान खटीमा में स्थानीय प्रशासन ने वाहनों का सब्जी मंडी में प्रवेश किया बंद। सब्जी मंडी में जाने वाले सभी रास्तों को बांस लगाकर किया ब्लॉक। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा। गोंडा में आशा वर्कर ने कुछ लोगों पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया। आशा वर्कर के मुताबिक विदेश से आए लोगों की लिस्ट बनाने के दौरान उनके साथ कुछ लोगों ने पहले तो मारपीट की और फिर रजिस्टर भी फाड़ दिए। झांसी के प्रेमनगर इलाके में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर स्कूटी सवार की पिटाई का पुलिस पर आरोप लगा है। स्कूटी सवार अपने परिवार के साथ जा रहा था। पुलिस के समझाने के बावजूद वो नहीं लौटा तो पुलिस ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी। अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए रेल कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। 5 कोच काठ गोदाम रेलवे स्टेशन पर तैयार किए गए हैं। हर कोच में 8 केबिन मरीजों के लिए और 1 डॉक्टर केबिन बनाया गया है। और इंटरपोल